मनीष कुमुट की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के थानला के पद्मावती तट के पूर्वी छोर पर मस्जिद और मुस्लिम गली के निकट नदी पर बनाए गए नाले का कुछ हिस्सा बीच में से गिर गया। वहां के रहवासियों ने बताया कि उक्त नाला अभी कुछ माह पूर्व ही बनाया गया था, जिसे खुला ही छोड़ दिया गया था। थानला नगर परिषद द्वारा टेंडर पद्धति से 1,09,00,000 की लागत से मुख्यमंत्री जन समाधान निधि से MG रोड पद्मावती नदी शांति कॉलोनी पेटलावत रोड पर नाले का निर्माण किया जा रहा है। उक्त नाले की दीवार गिरने को लेकर जब हमने नगर परिषद CMO अशोक चौहान से बात की, तब उन्होंने इसे तकनीकी मामला बताते हुए गेंद इंजीनियर के पाले में डालते हुए जांच का आश्वासन दिया है, जबकि इंजीनियर ने इसे ठेकेदार की चूक बताई। संवाददाता मनीष कुमुट की रिपोर्ट। जैसी जानकारी है, लगभग ये 5 से 6 महीने पहले बना है नाला और इन्होंने ठेकेदार से बात हुई है, उनको बुलाया था। वहाँ पर उनका कहना है कि वहाँ पर कुछ पत्थर डालने को डाला आया था, जिसकी वजह से गिर गया और बिजली के पोल वहाँ पर कुछ लगे हैं। लेकिन मेरे द्वारा आज मौका देखा गया, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो पत्थर डालने की वजह से या बिजली के पोल की वजह से नाले की दीवार गिरी है। इसको शासन को लिखेंगे हम, और इसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा थर्ड पार्टी को इसमें लिखा गया था SQC सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल के लिए। RV एसोसिएट को नियुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत FE ARE और RE साहब को नियुक्त किया गया है। तो उनको अवगत कराएंगे इस चीज़ से और ई साहब को अवगत कराएंगे, उसके बाद आगामी जांच करेंगे। ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत बनाया गया था और ये टोटल कुछ 320 मीटर लंबा था, जिसमें से कुछ 40 या 50 मीटर की वाल गिरी है एक तरफ के लिए।